डॉक्टर मुनीब ने स्नैन के ओवर का दूसरा छक्का दोबारा सामना करेंगे। डॉक्टर मुनीब स्नैन अशरफ का अगर विकेट का हिसाब लगाया जाए तो अभी तक कोई बॉलर भी बच नहीं पाया। ओ उठाकर खेला और 6 रन लॉन्ग ऑफ। बोतल भी लाके आया सी मैं इन्हों कि दे खपी जाना इन्होंने मैं पानी लिया के दिता सवेर का अच्छा बॉल किया फुल टॉस बॉल था डॉक्टर मिस हुए और इसके साथ एक स्कोर मुकम्मल किया। मुझे पूरे में आ गए अजाज एक बोतल ठंडे पानी की है तारक भाई को दे दें काफी देर से ये मांग रहे हैं। हसनैन का सामना करेंगे इरफान अभी तक इस ओवर में 3 छक्के लग चुके। अच्छा बॉल यॉर्कर लेंथ पर किया और एक स्कोर के लिए खेला इरफान ने ग्राउंड शॉट एक स्कोर किया मुकम्मल। इसके साथ ही ओवर का हुआ खात्मा 2 ओवर के इख्तिताम पर मजमू स्कोर 41 2 ओवर में 41 रन। अगला ओवर करने के लिए आए जीशान सामना करेंगे इरफान अच्छा बॉल था ग्राउंड शॉट खेला इरफान ने अच्छा बॉल ग्राउंड शॉट खेला डॉक्टर मुनीब ने स्ट्राइक दिया इरफान को जो अभी तक अच्छा खेल रहे हैं अपनी इनिंग में 4 छक्के लगा चुके। तीसरे ओवर का खेल जारी अच्छा बॉल ओ कैच ड्रॉप किया अली हैदर ने शायद इरफान को इस लीग में ये पहला चांस मिला। अच्छा शॉट 6 रन के लिए खेला इरफान ने पानी इन्ना के पानी ये किधर बस लिया
अच्छा बॉल ग्राउंड शॉट खेला फील्ड किया वसीम बॉबी ने यार ये पानी भेजते यार तारक के लिए तेन बल्लिया 52 इनिंग का चौथा ओवर करने के लिए आए जोहेब सामना करेंगे इरफान तीन ओवर के इख्तिताम पर 54 रन दो स्कोर के लिए खेला इरफान ने अच्छा बॉल और बॉबी ने इतना ही अच्छा कैच किया अच्छा बॉल किया जोहेब ने छोटे कद के अच्छे बॉलर पिछले मैच में एक ओवर इनको लगा लेकिन ओवरऑल इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही लीग में शायद ये विकेटों में लीड करते हो सबसे आगे नए आने वाले बैट्समैन भैया बिलाल सामना करेंगे जोहेब का इजाज ने जरा दसा कि आप पानी आप पी रहे हैं अच्छा बॉल एक ही होगा एक स्कोर मुकम्मल किया डॉक्टर मुनीब ने डॉक्टर मुनीब सामना करेंगे जोहेब का मेरा घर भाई सेंधी फाड़ के नहीं तो मैं उत्थे पानी मंगा लेना बड़ी देर लग गया तुहानू जनाब
अच्छा शॉट डॉक्टर नीप के बल्ले से निकलता हुआ, छह रन। मौसम बड़ा साथ दे रहा है खिलाड़ी। एक और लंबा सिक्स, अभी भी एक बॉल बाकी। सिक्सटी सेवन, अपने ओवर का आखिरी बॉल करेंगे, सामना करेंगे डॉक्टर मुनीब। अच्छा बॉल, कैच ड्रॉप किया और इसके साथ चार रन, चार ओवर के खिताब पर मजमू स्कोर 71। आखिरी ओवर करने के लिए आए हसनैन अशरफ। हेलो, आज जुमा जनाब थोड़े को पढ़ांगे। हाँ मैं इतवार को गया लड़ते को। अच्छा ओवर किया लेकिन आखिरी बॉल मिस फील्डिंग होने की वजह से स्कोर लगा 19। इस मैच की पहली इनिंग का आखिरी ओवर, भैया बिलाल के बैट से निकलता हुआ पहला छक्का, आज तो बंटू भाई लग रहे हैं। लगता है बैट भी अपना लेके आए आज। ग्राउंड शॉट खेला और एक स्कोर किया कंप्लीट। वैसे मेरे का फिर पानी ला के आ रहे अपने पास। वैसे असल ताली का खेल लगता है। अच्छा बॉल किया हसनैन ने, ग्राउंड शॉट खेला डॉक्टर मुनीब ने, स्ट्राइक दिया बिलाल भैया को जो के एक लगा चुके इस ओवर में। तीन बॉल, अच्छा बॉल किया हसनैन ने, अस्सी।
अंपायर का इशारा वाइड बॉल अभी भी दो बॉल बाकी। अच्छा ओवर करते हुए हुसैन अशरफ वो बहुत ही अच्छा बॉल, अगर टांगों से ना लगता तो शायद बोल्ड होते डॉक्टर मुनीब। अच्छा बॉल किया, यॉर्कर लेंथ था। पहली इनिंग का आखिरी बॉल, सामना करेंगे डॉक्टर मुनीब हसनैन का। अच्छा बॉल किया हसनैन ने, एक स्कोर के लिए खेला डॉक्टर मुनीब ने और ये रन आउट होते हुए एक स्कोर कंप्लीट हुआ। ये मुकम्मल मैच खत्म हो गया है। अगर ये विन करते हैं तो लाहौर कलंदर के मुकाबले में सेमीफाइनल में मुकाबला होगा इनका दोबारा, और अगर मुल्तान सुल्तान ये मैच लॉस करती है तो लाहौर कलंदर ट्रैक फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे, बाकी टीम एलिमिनेटर और क्वालिफायर राउंड खेलेंगे। अभी लाहौर कलंदर के कैप्टन से गुजारिश है कि वो जल्दी से फील्ड सेट कर लें, और मुल्तान सुल्तान वालों से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा सांस लें और जल्दी से ओपनर भेजें, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने लगातार दो मैच खेले, शायद वो थक भी गए होंगे, उन्होंने बैटिंग करनी है अभी तक। एक अच्छा टोटल सेट किया लाहौर कलंदर्स ने, अच्छा कमबैक किया मुल्तान सुल्तान ने। पहले दो ओवर्स में 41 रन हो चुके थे, उसके बाद बाकी तीन ओवर्स में 42 रन बने 14 की रन रेट से, इसलिए अभी तक मुल्तान सुल्तान मुकाबले में है। अगर जिशान और वसीम को भी अच्छी बैटिंग करते हैं और उनका साथ देते हैं आप जैट और मियां महबूब, तो वो मैच विन कर सकते हैं, और ये मैच विन करने की सूरत में वो पॉइंट टेबल पर लाहौर कलंदर्स के बराबर होंगे। दोबारा जो मुकाबला होगा सेमीफाइनल में फर्स्ट, तो जो टीम फिर जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। अगर ये टीम बाकी जो टीम्स हैं पेशावर जलमी और कराची किंग, वो पॉइंट टेबल पर तीसरे और चौथे नंबर पर, अभी तक पेशावर जलमी ने 5 में से 2 मैच जीते और कराची किंग ने 5 में से 1 मैच जीता। पेशावर जलमी तीसरे नंबर पर और कराची किंग चौथे नंबर पर। अभी गेम बाकी, लाहौर कलंदर्स के कैप्टन सादिक डूडू और इरफान चट्ठा टीम को